सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धनाकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सोम पर। सत्संग जी हमेशा इस प्रभु का शुक्र करें, हमेशा सत्संग इसका शुक्र गुजार रहें, इसका धन्यवाद करते रहें कि सत्संग इतनी महामारी के बाद भी सत्संग ऐसी कृपा मेहर की है कि सत्संग हम सांस ले पा रहे हैं। हम सत्संग इसकी कृपा से आज सत्संग बचे हुए हैं तो ये सतगुरु की मेहर ही है, सत्संग इनकी रहमत ही है। तो आओ सत्संग आज एक छोटी सी कहानी आप सभी संत महात्माओं को सुनाता हूँ कि हमें किस प्रकार से इस प्रभु का हर दम शुक्रिया करना चाहिए। सत्संग एक बार एक इंसान काफ़ी बुजुर्ग था तो उसने अपने बेटे को दौलत से भरा हुआ अपना एक सत्संग बॉक्स दिया, पिटारा दिया जिसको बोलते हैं। सत्संग उस बॉक्स में काफ़ी हीरे जवाहरात काफ़ी कुछ भरे हुए थे और उनको कहने लगा कि बेटा जब तुम्हें ये लगे कि ये कम हो रहा है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम ये मंत्र जपना तो इस मंत्र से तुम्हारा ये खजाना फिर से भरने लगेगा। सत्संग उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी। वो मंत्र उन्होंने ले लिया और अब वो सत्संग थोड़े समय बाद इस दुनिया से चले गए। सत्संग स्टार्टिंग में कुछ समय तो उसके पास वो जब बॉक्स था उसमें धन दौलत थी, जैसे उसे ज़रूरत पड़ी वो निकाला तो उसमें कम होने लगी तो उसने सोचा कि ये दौलत कैसे बढ़ेगी। तो सत्संग उसने कहा कि मैं वो अपने पिताजी का वो मंत्र याद करता हूँ, चार अक्षर का वो मंत्र था। परंतु सत्संग दुनिया में इतना बिजी रहने के बाद, काम में इतना व्यस्त रहने के कारण वो मंत्र वो भूल गया। अब सत्संग उसे वो याद नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी क्या मंत्र देकर गए थे कि जिससे ये दौलत बढ़ जाए। सत्संग उसने पड़ोसियों से पूछा, बुजुर्ग लोगों से कि काका आपको कुछ पता हो, अंकल आपको कुछ पता हो कि ऐसा कोई चार अक्षर का मंत्र प्रभु जिससे खुश हो जाते हों और मेरी धन दौलत ये सब बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई मंत्र, हो सकता है आपके पिताजी ऐसा मंत्र दे गए हों कि मेरी दौलत बढ़ जाए। सत्संग उसने कहा कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर ये तो नहीं था क्योंकि मैंने सुना है, अगर सुना होता मैंने ये तो मुझे याद आ जाता। अब सत्संग वो गांव में एक पंडित जी थे उनके पास गया जिसे सत्संग सब लोग कहते थे कि ये प्रभु से जुड़े हुए हैं, इन्हें सब पता है। सत्संग उनके पास गया और कहने लगा कि ऐसा कोई मंत्र जो मेरे पिताजी बता कर गए थे मैं भूल गया हूँ, आप बता सकते हैं चार अक्षर का कोई मंत्र। सत्संग उन्होंने कहा कि मुझे तो पता तो नहीं है परंतु हाँ अंदाजा बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ पंडित जी बता दीजिए। वो कहने लगे कि मैं गरीब ना रहूँ ये हो सकता है चार अक्षर। परंतु सत्संग उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी ये नहीं है। इस प्रकार सत्संग वो कई ऐसे बुजुर्ग लोगों के पास, समझदार लोगों के पास गया परंतु किसी ने भी उसके जो पिताजी द्वारा बताया गया मंत्र था वो नहीं बता पाए। सत्संग एक दिन एक सज्जन जो उनके घर पर आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला सकते हो क्या, मेरे को कई दिन हो गए खाना नहीं खाया है। सत्संग उसने कहा कि कोई बात नहीं आप बैठिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो उसने उस सज्जन को भोजन कराया, उसे खाना खिलाया। सत्संग वो खाना खाकर हाथ मुंह धोने लगा, हाथ मुंह धोकर कहने लगा कि हे प्रभु तेरा शुक्रिया। सत्संग वो एकदम से चिल्ला पड़ा, खुश हो गया, कहने लगा कि ये मंत्र आपको कैसे पता,
यही मंत्र तो मेरे पिताजी मुझे देकर गए थे। सास संगत, उसने कहा कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रभु का शुक्रिया है जो हमें हर पल हर घड़ी हर छिन करते रहना है। जब हम प्रभु के शुक्रगुजार हो जाते हैं, जब हम इसका शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं, तो सास संगत ये हमें हर समय हर वक्त ये हमारा सहायी बनता है और हमारी रक्षा करता है। सास संगत वो उनके चरणों में पड़ गया, उनके चरणों को दबाने लगा, कहने लगा कि आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरे पिताजी के द्वारा बताया गया यही मंत्र था। वो कहने लगे कि आपके पिताजी ने आपको हमेशा हर घड़ी में हर हाल में प्रभु का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा था, यही उनके जीवन का मंत्र था। तो आओ सास संगत हम भी हमेशा इस प्रभु का शुक्र करें, हमेशा सास संगत इसका ये धन्यवाद करते रहें कि तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज हम तेरी इस प्रकृति में, तेरी इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। तेरी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम सांस लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आओ सास संगत हमेशा हर पल हर छिन इसके शुक्र गुजार रहें, तभी सास संगत हमारा जीवन सुखमय गुजर सकता है। क्योंकि सास संगत हमने सदगुरु की कृपा से, ये रहमत से इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है, फिर सास हमारा यही फर्ज बन जाता है, हमारी यही ड्यूटी बन जाती है कि हम हर हाल में हर घड़ी में इसका शुक्रिया करें। क्योंकि सास संगत हमें ये ज्ञात हो गया, हमें ये पता चल गया कि सास संगत सब कुछ करने कराने वाला ये आप है, सारी दुनिया को चलाने वाला है। तो सास संगत आप और मुझे क्या ये नहीं चला सकता, सास संगत ये सब कुछ चला सकता है। हमें सास संगत सिर्फ अपना कर्म करना है, और सास संगत कर्म भी ऐसा करना है जो सतगुरु के आदेश के अनुसार हो, सास संगत सतगुरु को अच्छा लगे, इस प्रभु के सास संगत आदेश के अनुसार हो। और सास संगत जिन्होंने अपना कर्म इस प्रकार बना लिया जो सतगुरु के आदेश के अनुसार चलते गए, सास संगत हमेशा इस प्रभु का शुक्र अदा करते गए, वो सास संगत जीवन में हमेशा तरक्की करते गए, हमेशा सफल होते रहे हैं। आओ सास संगत गुरसिखी बहुत मुश्किल है, लेकिन सास संगत नामुमकिन नहीं, क्योंकि सास संगत अनेक संत महात्मा इस रास्ते पर चलते रहे और अपना सास संगत जीवन मुक्त करते चले गए। हमें भी सास संगत दृढ़ निश्चय से, संकल्प के साथ इसका होकर के अपना जीवन जीना है, तभी सास संगत हमें जीने का आनंद आ सकता है। सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी।